हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। ना अभी हम देखेंगे इथिक्स पेपर जो है 2019 का इथिक्स पेपर, उसको हम एनालिसिस करेंगे। सो आज का सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1A डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जितना क्वेश्चन है उसको क्या है ना डिस्कशन करेंगे। ओके, उसके जब खत्म हो जाएगा ये जो क्वेश्चन आंसर हमारा जो सेशन है, उसके बाद हम इथिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सो इथिक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है यूपीएससी में। सो इथिक्स जो है ये जो बंदे जो स्टूडेंट है वो जब प्रिपेरेशन होते हैं उस टाइम में क्या है इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो इसको ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको क्या है अच्छी तरह पढ़ना है केयरफुली, सो दैट इसमें भी अच्छा मार्क्स रख सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था 1A, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, इलस्ट्रेट एनी थ्री of these with suitable examples. So ये जो था 150 words में था and 10 marks का था। So पहले जो जानना चाहिए what are the basic principle of public life, basic principle क्या है public life में and उसको क्या है ना describe करना है and उसके बाद suitable example के साथ। Very important question है and पहले तो हमें जानना चाहिए basic principle है क्या public life में। Okay, सो चले देखते हैं। कोई भी क्या है ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और कोई ऑफिशियल है, मींस कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मींस कोई ऑफिसर है जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट में बैठा है, इसका मतलब ये है, या कोई ऑफिशियल है ठीक है वो कोई सर्टेन पोस्ट में है, उसके अंदर क्या है ना सर्टेन क्वालिटी होना चाहिए। सो देट क्या है वो जो पब्लिक है जो नॉर्मल पब्लिक जाएंगे उनके पास काम के लिए, उसको क्या है ना उसको अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। ओके, सो ये जो क्वालिटी है ये ऐसे नहीं आएगा इंडिविजुअल के पास, उसको क्या है ना कल्टीवेट करना पड़ेगा। कैसे कल्टीवेट करना पड़ेगा वो जो क्वालिटी को, उसको क्या है उसके अंदर क्या है ना डेवलप करना पड़ेगा, और जो सर्टेन प्रिंसिपल है जो बताएंगे उसको क्या करना है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो है डेवलप होगा। उसके बाद वो जो पब्लिक है नॉर्मल पब्लिक को वो हेल्प कर सकता है। ओके, सो पहले तो हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, जो पहला है क्या है ना सेल्फिशनेस, उसको क्या है ना निस्वार्थपर होना चाहिए, स्वार्थपर नहीं होना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑफिस में है, रिलेटेड भी कोई आई एस अफसर है उस कोई ऑफिस में अच्छा पोस्ट में है, ओके, सो उसको क्या है ना निस्वार्थपर होना चाहिए पब्लिक लाइफ के प्रति, सो देट क्या है वो क्या है अच्छी तरह काम कर सकता है। उनका जो एक्ट है एंड डिसीजन है वो क्या है ना जो सोसाइटी के लिए या सिटीजन के लिए वेलफेयर होना चाहिए, तब जाके क्या है ना वो अच्छा अफसर एक अच्छा अफसर गिने जाएगा। ओके, सो उसका वो जो जो डिसीजन है उसमें क्या है उसका ओन का जो है फायदा कुछ नहीं होना चाहिए, सो उसको बोलेंगे क्या है ना सेल्फिशनेस। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कोई म्यूनिसिपालिटी का जो म्यूनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको क्या है कोई इलीगली रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका क्या है ना पब्लिक के प्रति क्या हो जाएगा ना जो पब्लिक है उनको प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा वहां पे इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो। ओके, सो उस टाइम में क्या है उसको क्या है उसको फायदा हो जाएगा, वो नहीं करना है उसको क्या करना पड़ेगा ना जो पब्लिक है सिटीजन है सोसाइटी के लिए उसको क्या है ना अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। जहाँ पे रिक्वायर्ड है जो रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाना है उसको बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है इलीगली रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसके लिए क्या है ना पब्लिक के लिए सिटीजन के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब ये है कि सेल्फ जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ओके, देन जो नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी। सो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसको भी क्या है पहले तो ऑनेस्टी होना चाहिए, उसका जितने एक्शन है डिसीजन है वो सब क्या है ना ऑनेस्टी होना चाहिए, तब जाके उसका जो मॉरल इथिक्स है एंड जो इंटीग्रिटी है वो उसका ड्यूटी में कैरी कर सकता है ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और एक ऑफिशियल है, वो क्या है ना कोई शेडी बिल्डिंग क्या है बनाने के लिए कोई जो है पार्टी आया उनके पास, उनको कुछ मनी दिया, सो इफ उस टाइम में वो परमिशन दे देगा अननेसेसरी वो जो फुटपाथ में है तो क्या है ना पब्लिक के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, सो देट वहां पे उसका जो ऑनेस्टी है रिप्रेजेंट जो है वहां पे विखंड हो गया,
तो वहां पे उसका ऑनेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसा ले लिया, उसके बाद वो सिटी बिल्डिंग बना लिया और सिटीजन के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए उसका जो ड्यूटी के प्रति। ओके, देन रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज क्योंकि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिशियल है, उसको क्या है ना, रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, सो देट वो क्या है ना, इनिशिएट कर सकता है कोई फाइट को। ठीक है, सो फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजन के लिए वो फाइट कर सकता है, ही और शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू शो एग्जाम्पलरी, ओके, एंड मैनेजरियली एंड लीडरशिप स्किल होना चाहिए उसके पास। सो लीडरशिप जो है होने से क्या हो जाएगा ना, जो सिटीजन से उनको हेल्प मिलेगा, उनके लिए वो फाइट कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल ऐसे है क्या ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मोस्ट एक कैंपेनिंग करना जो है, कैंपेनिंग कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्या है ना, जो है कैंपेनिंग के सहायता से उसको अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। ओके, एंड जैसे क्या है, एग्जाम्पल है मेंटेनिंग द क्लीनिंग क्लीनिंगनेस। ठीक है, सो वो जो कोई भी ऑफिसर है, वो जो एरिया में पोस्टेड है, उस एरिया में वो क्या है ना, पब्लिक के प्रति एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, सो देट क्या है, एक कंपनी अवेयरनेस करना चाहिए कि क्लीनिंगनेस के ऊपर, सो देट क्लीनिंगनेस के ऊपर करने से उसके बाद उसके अंदर जो लीडरशिप है वो क्या है ना, वो पब्लिक को, जो अच्छा लीडर है वो क्या है ना, पब्लिक उनको जान सकते हैं, उसके बाद वो क्लीनशिप कर सकता है वो जो क्लीनिंगनेस। ओके, सो उसके पास लीडरशिप नहीं होगा तो वो पब्लिक को कैसे कंट्रोल करेगा। ओके, सो वे फॉरवर्ड ऐसे लिखना चाहिए, जो जो प्रिंसिपल है, मस्ट बी अलाउड टू डेवलप दोज एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइफ, तो द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस चाहिए उसको, एंड दोस वी कैन ऑब्जर्व द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटी दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ओके, ये सब क्या है ना, प्रॉपरली इसको क्या है, जैसे क्या है, इसको यूटिलाइज करेंगे, सो देट क्या है ना, ये इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।